मोहद्दीपुर गुरुद्वारा एवं गुरु नानक सत्संग सभा के तत्वावधान में श्री अर्जुन देव महाराज के शहादत दिवस के अवसर पर मोहद्दीपुर स्थित गुरुद्वारे पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में गुरुद्वारे के सचिव मनमोहन सिंह ने बताया कि मुगल शासक के द्वारा पांचवें गुरु अर्जुन देव को उस समय हिंदुत्व की रक्षा के लिए गर्म तवे पर बैठा दिया गया था और कड़ी यातनाएं दी गई थी। उन्होंने बताया कि गुरुद्वारे पर श्रद्धालुओं की लाइन लगी रही तथा दिल्ली से आए हुए जसप्रीत सिंह व फरीदकोट पटना बिहार से कथावाचक सरदार गगनदीप सिंह के द्वारा गुरु नानक नाम लेवा संगत को गुरु इतिहास की जानकारी दी गई। इस अवसर पर सरदार मनमोहन सिंह, सरदार रविंद्र सिंह, सरदार अमृतपाल सिंह, जसपाल सिंह, सरदार अरविंदर सिंह, सरदार धनवंत सिंह, राजेश शाहनी, सरदार अनमोल सिंह, सरदार सुरेंद्र सिंह सहित अन्य सिख मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मोहद्दीपुर गुरुद्वारे के सचिव मनमोहन सिंह ने कहा, हर कृपा मिले हर सो रहे लंगर खा के जाइएगा। मनमोहन सिंह, सचिव गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मोहद्दीपुर गोरखपुर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का जो ये महान शहीदी दिवस के रूप में सिख धर्म के पांचवें गुरु साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिनको जहांगीर बादशाह ने इस्लाम धर्म कबूल ना करने के कारण जुल्म जोर की से उन्हें तत्ती तवी में बिठाकर शहीद कर दिया। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास जी महाराज जी के छोटे बेटे थे। पांचवें गुरु के रूप में जब गुरुता गद्दी पर बैठे, उस समय अकबर का हिंदुस्तान में राज था। अकबर से गुरुदरबार का बहुत बड़ा श्रद्धा पूर्वक मानता था, पर जहांगीर को ये बात हमेशा चुभती थी। और अकबर की मृत्यु के बाद जब जहांगीर बादशाह बैठा, तो उसने शहर गुरु अर्जन देव जी को जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने का जोर देना जब शुरू किया, तो शहर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने शहीद होना कबूल किया पर अपने धर्म से अधिक रहे। आज उन्हीं शहर गुरु अर्जन देव जी महाराज की महान शहादत को पूरा विश्व
बड़े ही श्रद्धा पूरे ढंग से मना रहा है। आज उसी के पेश में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत संस्था मोहद्दीपुर के तत्वावधान में आप सभी गोरखपुर निवासियों के सहयोग से गुरु जी का महान शहीदी पर्व मनाया जा रहा है। मैं मनमोहन सिंह, सचिव गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आप सभी जनमानस का, अपने मीडिया के भाइयों का, पत्रकार बंधुओं का तह दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ, जो उन्होंने गुरु जी के संदेश को जन जन तक पहुँचाने का काम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।